हाय वेलकम। नमस्कार स्वागत साथियों। साथियों, पिछले कुछ समय से गोवंश के लिए लंफी वायरस लगातार चिंता का विषय है, वो बनता जा रहा है, जिसके चलते पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। इसके साथ में उनमें गोवंश है उसकी भी बहुत ज्यादा हानि हो रही है। कुछ हद तक पशुपालक हैं वो ट्रीटमेंट न करवाने की वजह से, उचित सलाह है मशुरा है न लेने की वजह से गोवंश को ज्यादा नुकसान है वो पहुंचा रहे। कुछ स्थितियों में पशुपालक है वो बहुत ज्यादा खर्चा है, वो जो लंफी वायरस से इफेक्टेड हो गई है उन गायों पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं खर्चा। तो उसको देखते हुए मैं आज आपको जो लंफी वायरस के लिए जो निःशुल्क होम्योपैथिक दवा है, यानी पशुपालकों की आर्थिक सहायता के लिए वो अपनी जो गोवंश हैं उनको बचाने में उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर और शानदार अच्छा रिजल्ट देने वाली साबित हो रही है। तो ऐसी जो होम्योपैथिक दवा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो होम्योपैथिक दवा है ये आप आराम से देख सकते हो। पहले ये होम्योपैथिक दवा है जिसके आपको इस बात का भी विश्वास हो गया होगा कि जो जितने भी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मुझे इस दवा के बारे में मेरा जो मित्र है सुनील शर्मा, उसने मुझे बताया था कि मैं एक वेटनरियन हूं ऐसे, तो उसने बताया कि कुछ ऐसी दवाएं हैं वो निशुल्क गुजरात से जो ट्रस्ट है उनसे मैं आपको मंगवा कर दे सकता हूं, यदि आप उनपे एक बार ट्रायल कर सकते हो। यदि आप उनका जो रिजल्ट है उसका फीडबैक है आप मुझे बताओगे तो मैं अन्य जो पशुपालक हैं जो गौशालाएं हैं उनमें भी ये दवा पहुंचाने की पूरी पूरी आपकी सहायता करूंगा। तो इसी को देखते हुए मैंने बहुत सारी जो ऐसी गायें हैं जो इस बीमारी से पीड़ित थी और जो पशुपालक इस बीमारी में अपने पशुओं का इलाज करवा रहे थे उनको निःशुल्क ये दवा देकर उनका रिजल्ट है वो आजमाया है। यानी कुछ पशुओं में इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है कि वो पिछले 2-3 दिन से खाना पीना बिल्कुल बंद कर रहे थे, तो उन्होंने इनको 2 दिन देते ही उनमें क्या हो रहा है उनका खाना पीना है वो वापिस फीडिंग पे आ रहे हैं। और जब तक आपको पता है पशु खाना पीना बिल्कुल प्रॉपर रखता है तब तक पशु ऐसे वायरल जो बीमारियां हैं उनमें बिल्कुल ही लॉस में नहीं जाता, वो अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे इंक्रीज है बढ़ाता रहता है। तो इसी के चलते अब इसके आपको मंगवाना कैसे है, इसके जो दवा के कॉन्टेक्ट नंबर है यानी जो गुजरात के जो आराध्य धाम के जो ट्रस्ट के नंबर है वो इस दवा पे दिए हुए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दे दूंगा। आप अपनी पंचायत की सहायता से यानी पंचायत में आप ये लेटर पैड में लिखवा के कि आपके गांव में कितनी गायें जो इफेक्टेड है इस बीमारी से, वो लेटर पैड में लिखवा के आपको उनसे संपर्क करना है। तो जितनी गायें आपके गांव में जैसे 500 है 100 है 200 है उतनी आपको ये जो वायल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये दवा बिल्कुल ही निशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो बिल्कुल बंद कर दो और ये दवा दो, ये भी बिल्कुल गलत है। कुछ पशुओं में इसके रिजल्ट 50% ही देखने को मिल रहे, तो आपको अपनी तरीके से जो ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो वो तो आपको चालू रखना ही रखना है। इसी के साथ में आपको क्या करना है, आप यानी जो भी आप पाउडर दे रहे हो उसको बुखार के लिए बोलस दे रहे हो वो आपको देते चालू रखना है। इसी के साथ में आपको ये दवा आप 15-15 बूंद उसके 4 टाइम जीभ पे आप उसको ये डालोगे तो उसमें बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारी गायों में तो ऐसा देखे हैं जो बछड़े हैं जो आवारा जो पशु हैं उनके भी मैंने ये ट्रायल किया है कि आप जैसे मान लीजिए पशुपालक है वो अपनी गाय को बचाने के लिए अन्य जो दवाएं दे रहा है तो वो भी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन जो आवारा पशु है उनके लिए तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं होता है। तो उसको देखते हुए मैंने उन पशुओं पे भी इनका जो एक्सपेरिमेंट है यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो तो वो मैंने ट्रायल है उनपे किया था और उन्हें बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट है वो देखने को मिला है। तो इस दवा का और इस ट्रस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपकी जानकारी और जो पशुपालक हैं उनकी आर्थिक मदद और जो गोवंश की जो बहुत ज्यादा हानि हो रही उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को जितने भी जो आपके रिलेटिव्स हैं जितने भी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपके गांव में आपके रिश्तेदार आपके दोस्त जिनकी गायें हैं वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं या नहीं भी हैं तो आप उनको भी शेयर कीजिए,
ताकि वो भी इस दवा को अपने गांव में, अपनी गौशाला में सभी जो गायें हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको ये दवा उपलब्ध करवा सके। हालांकि इस दवा के बारे में और इस ट्रस्ट से आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उचित और सलाह है और सही जानकारी आपको देने की, और आप में इसके जितना मेरी मैं हेल्प कर पाऊंगा उतनी मैं आपको हेल्प है वो जरूर से जरूर और जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों, मैं पिछले कुछ समय से हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बीमारी है इसमें पशु को बहुत ज्यादा हाई फीवर रहता है, 105 से 160 डिग्री फॉरेनहाइट तक इसका फीवर रहता है, तो आपको अपने पशु को बिल्कुल ही नहलाना नहीं है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि सोशल मीडिया एक अच्छा और शानदार जो न्यूज का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोज हैं वो शुरुआती कंडीशंस में ऐसे डाल दिए हैं जिसके कारण जो गोवंश है उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पशुओं को नहलाना स्टार्ट करवा दिया, तो ये प्रकार की महामारी मान सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से सभी गायों पे भी जो उन्होंने अप्लाई किया था वही चीजें अप्लाई करने लग गए और उससे पशु निमोनिक हो गए और भी बहुत सारे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंत में जो गौवंश है वो मृत्यु दर की ओर बढ़ने लगे। उम्मीद है आपको वीडियो में सही जानकारी मिली होगी। यदि आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।